अब ये साफ हो गया है कि ईशान किशन और टीम मैनेजमेंट के बीच सब कुछ सही नहीं था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। देखिए, वो पर्दा उठ गया है और अब ये पता चल गया है लोगों को कि ईशान किशन और टीम मैनेजमेंट के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि ये बातें भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से आती रही हैं, कई बार कोच राहुल द्रविड़ सामने आए हैं और उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि ईशान के साथ कोई मामला नहीं है, लेकिन वो बार बार ये भी कहते रहे कि उसे कुछ क्रिकेट खेलनी चाहिए, अभी जब उसने छुट्टी मांगी थी तो हमने दी थी। लेकिन अब जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं जय शाह, उन्होंने साफ साफ बहुत कुछ बोल दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, मतलब कि जिन्हें बीसीसीआई अनुबंधित करता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है और अलग अलग ग्रेड में उन्हें रखता है, उन्हें डोमेस्टिक सर्किट में रेड बॉल क्रिकेट खेलना ही होगा, यहां पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये बातें जय शाह ने साफ कर दी हैं। और मैंने कहा कि ईशान किशन और टीम मैनेजमेंट की बात में मतलब कुछ दोनों के बीच जरूर है, तो उस बात को भी आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि जय शाह ने यह भी कहा जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि देखिए, ईशान तो अभी जवान है। और फिर हालांकि वो इस बात को तुरंत बदलते हैं ट्रैक और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक खिलाड़ी के लिए कह रहा हूं, सभी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट जो रेड बॉल का होता है वो खेलना ही पड़ेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि देखिए, अगर टीम का कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए कहता है तो आपको खेलना पड़ेगा, कोई नखरे नहीं चलेंगे। ये वर्ड उन्होंने कहा कि कोई नखरा नहीं चलेगा और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बीसीसीआई है वो वैसे खिलाड़ियों पर सख्ती बरतने के मूड में है। जय शाह ने साफ कर दिया कि देखिए, फोन पर सभी खिलाड़ियों को बता दिया गया है और मैं बहुत जल्दी इस पर जो लिखित में भी उन सभी को ये जानकारी दे दूंगा कि उन्हें जो है अपने राज्य की टीम के लिए खेलना ही पड़ेगा जब वो भारतीय टीम के लिए नहीं खेल रहे होंगे। तो ये क्लियर कट मैसेज ईशान किशन के लिए भी है और उन सभी खिलाड़ियों के लिए है जो भारतीय टीम से बाहर हैं और रणजी ट्रॉफी खेलने से बच रहे हैं। तो ये बातें जय शाह ने कही और उन्होंने जब ये कह दिया कि कप्तान और कोच और चीफ सेलेक्टर अगर कुछ कहते हैं तो आपको वो बात माननी ही होगी, तो ये भी तय हो गया है कि ईशान किशन और टीम मैनेजमेंट के बीच दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ हुआ और उसके बाद जब राहुल द्रविड़ कह रहे हैं कि उन्हें कुछ क्रिकेट खेलनी होगी, तो अब ये साफ है कि ईशान किशन को अब रणजी ट्रॉफी खेलना ही पड़ेगा भारतीय टीम में वापसी के लिए। जय शाह ने यह भी कहा कि देखिए, हमारे पास एनसीए है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में है और वहां पर हमारी टीम है, वो खिलाड़ियों का आकलन भी करती है कि वो फिजिकली कितने फिट हैं, क्या वो रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों का बर्डन ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई खिलाड़ी सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेल सकता है तो फिर हम उस पर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि वो रेड बॉल भी खेले। लेकिन ये कहां से तय होगा? ये एनसीए से तय होगा। ये बातें जय शाह ने साफ कर दी हैं। तो इससे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या जो है वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं तो वो कोई बड़ा मामला नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी फिटनेस की समस्या हमेशा से रही है, तो वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे और हो सकता है कि एनसीए ने इस तरह की कुछ जानकारी बीसीसीआई के साथ शेयर भी की हो। लेकिन फिलहाल ईशान किशन के लिए जो है वो समस्या बढ़ी हुई है और उन्हें जो है अब रणजी ट्रॉफी खेलना ही पड़ेगा और कप्तान और कोच के बारे में और जो चीफ सेलेक्टर है उनको जो आप कह सकते हैं कि ये एक वेटेज दिया गया है कि वो खिलाड़ियों को बोल सकते हैं कि उन्हें रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी है। तो ये बातें जय शाह ने साफ कर दी हैं। और जब जहां पर राजकोट में मैच हो रहा है वहां पर ही उन्होंने ये बातें मीडिया से बातचीत में कही हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।